पहला क्वेश्चन देखते हैं. क्रिटिकली एग्जामिन द सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर द स्टडी ऑफ हर्षवर्धन एंड डिस्कस हिज रिलीजियस पॉलिसी. तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे दो क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन क्या है? अबाउट द सोर्स ऑफ स्टडी ऑफ हर्षवर्धन. तो एक तो सोर्सेज के बारे में पढ़ना है और दूसरा है उसकी रिलीजियस पॉलिसी के बारे में. एग्जामिन करना है ना, एग्जामिन द सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर स्टडी ऑफ हर्षवर्धन. तो आपको इसके बारे में भी बताना पड़ेगा कि कितना इंपॉर्टेंट सोर्स है और ये इंपॉर्टेंट सोर्स क्यों है. जो भी इंपॉर्टेंट मेजर सोर्सेज हैं, ठीक, उनको पकड़ के आप एक बार अलग अलग दो तीन लाइन लिखते चलिएगा कि हर्षचरित क्या है, इनकी बायोग्राफी है और उनके कोर्ट पोएट के द्वारा लिखी गई है. अब कोर्ट पोएट हमेशा अपने राजा का क्या करेगा, महिमामंडन करेगा. तो बहुत सारी बातें वो एग्जाजरेट करके लिखेगा और कई जो नेगेटिविटीज उनको छिपा ले जाएगा. कि आपको इसका क्रिटिकल एनालिसिस करते समय ये बात भी आप मेंशन कर सकते हैं कि कोई एम्पायर 40 साल तक चला, इतना बड़ा एम्पायर, और वहां की अगर इकोनॉमिक कंडीशंस खराब थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो 40 साल तक इतना लंबा एम्पायर चल कैसे रहा था. इसका कंक्लूजन आप इस तरह से करिए कि हमारे पास में हर्षवर्धन को समझने के लिए, उनके समय को समझने के लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं, लेकिन हम किसी भी एक सोर्स पर रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी एक सोर्स हमको एक इनकम्प्लीट पिक्चर देती है. कंप्लीट पिक्चर जानने के लिए हमको क्या करना चाहिए, दो तीन सोर्सेस को मिक्स करके पढ़ना चाहिए. डिस्कस इज रिलीजियस पॉलिसी. डिस्कस लिखा मतलब ओपन एंडेड, कुछ भी लिख सकते हैं. आप सभी ये बात बता रहे हैं कि उनके समय में रिलीजियस टॉलरेशन था, लिबरलिज्म का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता था. पहले वो शेवाइट थे, बाद में बुद्धिस्ट बन गए, बहुत सारे डोनेशंस दिया करते थे, चैरिटीज करते थे. एक बात बताइए, अगर आपको अशोक के बारे में लिखने के लिए आएगा क्या लिखेंगे? सेम बात. अकबर के बारे में लिखने के लिए आएगा तो क्या लिखेंगे? लगभग ऐसा ही कुछ. गुप्ता एम्पायर के बारे में लिखने के लिए आएगा तो बस वो खुद का, उनका रिलीजन क्या था ये बदल दीजिए, बाकी सब कुछ लगभग ऐसे ही रहेगा. तो ये बातें बहुत ही कॉमन हो जाएंगी, सबको यही लिखेगा. आपको इसको स्पेशल बनाना है. लेकिन एक बात सोचिए, कोई एम्पायर अपनी रेवेन्यू का 3/4 रिलीजियस प्रोपोगेशन के लिए कर दे तो उसके एम्पायर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाकी का साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च कब करेगा? नहीं करेगा. तो उसकी आर्मी वीक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी. उसके बाद जो भी पहला इन्वेजन होगा वो हारेगा कि नहीं हारेगा? मेडिवल में थ्रू आउट हम रौंदे गए, थ्रू आउट अरब्स आ रहे हैं, टर्क्स आ रहे हैं, मंगोल्स आ रहे हैं, वो कुछ ना कुछ करके जा रहे हैं. क्यों करके जा रहे हैं? क्या उसमें आपको हर्षवर्धन की पॉलिसी जिम्मेदार नहीं नजर आ रही है? आखिरी मेजर एम्पायर इंडिया का, और वो क्या कर रहा है? सिर्फ रिलीजियस प्रैक्टिसेस पर खर्च कर रहा है.